हेलो दोस्तों, चलिए आज हम टेबल कवर डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए देखिए, हमने वाइट और ग्रीन कलर लिया हुआ है उलन, और क्रोशिया हम इसमें लिए हुए हैं। 0 नंबर का क्रोशिया है, 1.75 mm का है ये। तो डिजाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, और उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में हम जॉइंट करेंगे, और उसके बाद से 1, 2, 3 3 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, 1, 2, 3 चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 एंड 12। हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना लिए पूरा पूरा। अब उसके बाद फर्स्ट वाला है जो ये 3 चेन किए हैं, इसमें हम लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे, और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। देखिए, अब इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। देखिए, अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे ऐसे नॉट लगा के, और कहीं से भी इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया के बीच में ऐसे बांध लेंगे, धागे को खींच के हम पफ बनाएंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 5 टाइम ऐसे, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांध देंगे। फिर 1, 2, 3 3 चेन, फंदे लेंगे, फिर उसके बगल वाला यानी नेक्स्ट वाले में फिर से बनाएंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 1, 2, 3 3 चेन, फंदे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले में फिर से बनाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। फिर 1, 2, 3 3 चेन करना है, एक पफ बनाना है हमें। 3 चेन 1 पफ ऐसे बनाते हुए पूरा 12 है, 12 में हम 12 बना ले रहे हैं, यानी 12 ये है डबल क्रोशिया, 12 में 12 बनेगा, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हमने ऐसे राउंड बना कंप्लीट किया, पूरे 12 ये बना लिए हैं, यानी 12 बना लिए। फिर 3 चेन करके, और पहला जो ये पफ बना है उसके ऊपर ऐसे लेके ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर ऐसे बांध लेंगे। अब इसे भी हम कट करके निकाल लेते हैं। देखिए, और इसे भी बैक साइड से लगा देंगे हम। अब इसके बाद से हम फिर ये कलर लेंगे, ऐसे नॉट लगा के पहले, और जो ये 3 3 चेन के बनाए हैं इसमें बनाना है ऐसे बांध के, और 1, 2, 3 3 चेन, फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया हम ऐसे बना लिए लाइन से। उसके बाद से 1, 2, 3 3 चेन, फंदे लेंगे, और फिर से हम
लाइन से 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 फिर बना लेंगे यहाँ पर। देखिए इधर भी 6 इधर 6, बीच में 3 चेन किए हैं। उसके बाद से इसके बगल वाला ये चेन है, इसमें डायरेक्ट हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर। उसके बाद से 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे, आप लोगों को कम लगे तो 7 चेन भी कर सकते हैं। फिर इसमें दूसरा वाला है ये चेन, नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, देखिए फंदे लेंगे और फिर से सेम चीज़ें बनाना है हमें, डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 डबल क्रोशिया, फिर लाइन से बना लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 3 चेन, फंदे लेंगे, फिर से हम 1 2 3 4 5 6 6 हम फिर से बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर इसमें हम दूसरे वाले नेक्स्ट वाले में फिर से 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 चेन करेंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया। तो ऐसे बनाना है, कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे कंप्लीट किया है और यहाँ ज्वाइंट करके पहले वाला जो है उसमें लेके हम ज्वाइंट कर लिए हैं और कट कर लिए हैं। अब इसके बाद से हम बनाएंगे, ज्वाइंट करेंगे, इसमें हम बनाएंगे ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने ये बनाया है, इसमें 6 हम डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और जो ये 3 चेन का है इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे लेके और इसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक चेन करेंगे और लाइन से फिर हम 6 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेते हैं लाइन से, 1 2 3 4 5 6 6 हम फिर लाइन से ऐसे बना लिए। फिर इसके बगल वाला है, नेक्स्ट वाले में ऐसे डायरेक्ट ज्वाइंट कर लेंगे। अब उसके बाद हम 1 2 चेन करेंगे, 2 चेन करके उसके बाद से जो ये बीच में है ये 5 चेन का, इसमें ज्वाइंट करेंगे हम ऐसे लेके और इसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 2 चेन, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट वाले में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर फंदे लेंगे और 6 हम डबल क्रोशिया फिर इसमें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 फिर लाइन से हम बना लिए। फिर यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और इस साइड का ये है इसमें ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे, फिर एक चेन करेंगे और फिर लाइन से हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 फिर से बना लिए हम इसमें। फिर इसमें हम डायरेक्ट ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 1 2 3 4 5 5 चेन फिर इसमें और फिर इसमें बनाएंगे ऐसा, और फिर इधर ज्वाइंट करके इधर बनाएंगे। तो कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हमने ऐसे कंप्लीट किया। फिर 5 चेन करके यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे और जो पहला बनाए हैं ये 3 चेन का, इसमें लेके ऐसे ज्वाइंट करके
और ये कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए सेम अब ऐसे ही और भी बनेगा, तो अपने हिसाब से जितना चाहिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो हम और ज्वाइंट कर रहे हैं, उसके बाद आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ऐसे लाइन से 4 ज्वाइंट कर लिया। आप लोग को जितना ऐसे चाहिए वैसे आप लोग लंबाई में चौड़ाई में जितना चाहिए वैसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 ज्वाइंट किया, उसके बाद हम इस साइड ज्वाइंट करेंगे। तो इधर ज्वाइंट करने के लिए देखिए हमने ये बनाया हुआ है, इसमें एक चेन करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले हम ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर एक चेन करके और फिर से हम 6 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 फिर हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद से फिर हम इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे जॉइंट कर लेंगे डायरेक्ट। फिर 1 2 चेन करके अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, ये जगह है यहाँ पर जॉइंट करना है 5 चेन का जो है इसमें ऐसे लेके और इधर साइड ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे, 2 चेन करके फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे जॉइंट करेंगे। और उसके बाद से फिर हम फंदे लेंगे, पहले हम 6 डबल क्रोशिया फिर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया ऐसे बना लिए। फिर 1 चेन करेंगे और जो ये दोनों जॉइंट है इसके बीच में हमें जॉइंट करना है दोनों साइड का, ये यहाँ पर ऐसे लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 चेन, फंदे लेंगे, फिर सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशे फिर से बना लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर 5 चेन करेंगे, इधर बनाएंगे, ये बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे ये कंप्लीट किया। अब उसके बाद से अब इस साइड ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने ये बनाए हैं, 1 चेन किए हैं। अब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे, पहले ऐसे लेके और यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर हम 6 डबल क्रोशे बना लेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशे हम बना लिए यहाँ पर। उसके बाद इसमें हम ज्वाइंट करेंगे नेक्स्ट वाले में, फिर 2 चेन कर लेंगे हम यहाँ पर, 1 और 1 बना लेंगे, 2 चेन करके ये बीच में जो 5 चेन का है फिर इसमें हमें ज्वाइंट करना है ऐसे लेके और ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फंदे लेंगे। अब इसमें हम फिर से हम 6 से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशे बना लिए। फिर 1 चेन करेंगे और उसके बाद से ये तीनों जॉइंट है जो इसके बीच में हमें जॉइंट करना है ऐसे लेके और ये तीनों के बीच में हमें इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 चेन करेंगे और फिर सेम जगह पे फिर से हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 और 1 बना लेंगे, 6। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 1 2 चेन और 2 चेन करके अब हम यहाँ तक ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इस साइड का ये है, ये 5 चेन का, इसमें ज्वाइंट करना है। तो ऐसे लेके हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 1 2 चेन और इसके नेक्स्ट में हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर से हम 6 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे। 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सिक्स फिर बना लिए। अब उसके बाद से फिर हम एक चेन करेंगे और ये दोनों जॉइंट है जो यहाँ तक हम जॉइंट किए हैं, अब यहाँ ये है यहाँ पर जॉइंट करना है ऐसे लेके, और इसके बीच में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर एक चेन, फिर सेम चीज़ें बनाना है हमें, सिक्स डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर इसमें हम ज्वाइंट करेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन, फिर इसमें ज्वाइंट कर लेंगे और फिर पहला वाला हम जो चेन बनाए हैं इसमें लेके ज्वाइंट करके और ये बांध के हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कंप्लीट किया। अब इधर दो ज्वाइंट कर लिए हैं, सेम ऐसे ही इधर ज्वाइंट होगा हमारा पूरा ज्वाइंट। देखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव जगह ज्वाइंट पड़ा है यहाँ पर बीच में, फिर ये तीनों है यहाँ पर, फिर ये बीच में चेन के पास, फिर यहाँ पर, तो फाइव जगह इधर ज्वाइंट पड़ा। आ इधर एक, दो, तीन, थ्री जगह ज्वाइंट पड़ता है यहाँ पर, देखिए एक, दो, तीन जगह ज्वाइंट पड़ा है ऐसे दिखाएं। तो ऐसे इधर ज्वाइंट करते समय हमें एक, दो, तीन जगह ज्वाइंट करके फिर ऐसे बना लेना है और इधर के फाइव जगह ज्वाइंट पड़ेगा, उसके बाद ऐसे बना लेना है। सेम यही चीज़ें इधर बनेगा, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव जगह ज्वाइंट पड़ेगा फिर बन जाएगा। तो ऐसे अपने हिसाब से जितना बड़ा चाहे हम लोग बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई में जो भी चीज़ के साइज़ का चाहे बना सकते हैं। तो हम अपना बना के तैयार करते हैं। और तो देखिए हमने फोर फोर का करके पूरा रेक्टेंगल में बना लिया है, पूरा फाइव लाइन का हमने बनाया हुआ है। आप लोग लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना लंबा और चौड़ा चाहिए जो चीज़ के लिए भी बना रहे हों। अब इसके बाद से हम यहाँ पर अब वाइट कलर से हम बनाएंगे, आप चाहिए तो ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं आप लोग। बांध के उसके बाद से हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवन चेन करेंगे और ये पूरा सिक्स डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट किए हैं, यहीं पे बगल में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवन चेन, अब ये पूरा छोड़ के फिर यहाँ पर ये ज्वाइंट किए हैं, यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सेवन चेन, और फिर ये ज्वाइंट किए हैं दोनों, इसके बीच में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर सेवन चेन बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ, ऐसे करते हुए हम ऐसे चारों तरफ से कंप्लीट करते हैं। हमने ऐसे बना के कंप्लीट किया। अब यहाँ पर पहले वाले में लेके पहले ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं और फिर उसके बाद से जो ये चेन है ऐसे मिडिल में ऐसे आ जाएंगे, और उसके बाद से एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन, ढाई को खींच के हम पफ बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल के बांध लेंगे चेन को, क्रोशे के ऊपर ऐसे लेके ऐसे बांधेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन, दूसरा वाला चेन है इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव चेन, फिर ढाई को खींचेंगे और फिर से हम पफ बनाएंगे यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, एक, पाँच, फिर ऐसे निकाल के बांध के चेन क्रोशिया पर ऐसे रख के ऐसे निकाल के बांध लेंगे, फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर दूसरे वाले चेन में सेम ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये पूरा बना के तैयार कर लिया। ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने ये फोर फोर का करके हम फाइव लाइन में बनाए हैं, पूरा रेक्टेंगल में बनाए हैं ये टेबल कवर।
आप लोग चाहे तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहें, जो भी साइज़ में चाहें आप लोग बना सकते हैं। इसे बनाने में हमारा 80 ग्राम उलन लगा है, यानी 80 ग्राम उलन लगा है इसमें। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।